ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण राजधानी रायपुर के बाजार से सीमेंट गायब हो गए हैं। ऐसी स्थिति प्रदेश में पहली बार आई है। बता दें, डीजल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण सीमेंट परिवहन में भी तेजी से वृद्धि हो गई है, जिसे ट्रांसपोर्टरों और सीमेंट निर्माताओं एजेंसियों के बीच गतिरोध भी पैदा हो गया है। यही वजह है कि ट्रांसपोर्टरों ने सीमेंट परिवहन बंद कर दिया है। इसे सीमेंट की उपलब्धता में परेशानी के साथ साथ दरों में भी अप्रत्याशित रूप से इसे वृद्धि हो गई है। ट्रांसपोर्ट्स के हड़ताल पर जाने से सीमेंट की सप्लाई बंद हो गई है। यही वजह है कि रायपुर में 240 रुपए में बिकने वाली सीमेंट की बोरी अब 300 रुपए से भी ज़्यादा में बिक रही है। वहीं जिनके पास पुराने स्टॉक है, वे मनमानी ढंग से दाम लगा रहे हैं। इन समस्याओं के चलते अब आम लोगों के सभी कंस्ट्रक्शन के काम ठप से पड़े हुए हैं। सीमेंट परिवहन ठप होने की वजह से दिहाड़ी मजदूरों के अलावा सीमेंट परिवहन में लगे लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। इसे लेकर अब राजनीति भी देखी जा रही है। बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में यह पहली सरकार है जिस सरकार को खनिज संपदा से लेकर किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं है। यही कारण है कि सीमेंट को लेकर कालाबाजारी जमकर हो रही है। उन्होंने कहा कि सीमेंट को लेकर फैक्ट्री और ट्रांसपोर्टरों के बीच जो विवाद की स्थिति है, इसके चलते आज आम उपभोक्ता परेशान है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में यह पहली सरकार है जिस सरकार को खनिज संपदा से लेकर के दुनिया की कोई भी चीज पे कंट्रोल नहीं है। आज सीमेंट के ऊपर कालाबाजारी है या सीमेंट को लेकर के फैक्ट्री और ट्रांसपोर्टरों के बीच में विवाद है, सरकार को बैठ करके, कलेक्टर को बैठ कर इसका समाधान करना चाहिए। आम उपभोक्ता परेशान है, कालाबाजारी खुलेआम हो रही है, चाहे गिट्टी हो चाहे रेती हो, खनिज संपदाओं का जिस प्रकार से बिल्डिंग मटेरियल का रेट बढ़ रहा है, उससे सरकार कहीं पर भी, और ये सब कलेक्टर के अधीन आता है, और इसलिए लोकल प्रशासन को इसको गंभीरता से लेकर के समाधान करना चाहिए। और जब हम कहते थे कि ना कोई चीज बड़ी है, ना टैक्सेस बढ़े, ना कहीं कुछ बढ़े, तो ये प्रॉफिट कहाँ से बढ़ा? ये कॉकटेल बनाने करके जो बेचने का काम है, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और जनता को राहत देना चाहिए। सीमेंट निर्माता और ट्रांसपोर्ट के बीच चल रही इस विवाद ने प्रदेश भर के लोगों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। जनता से लेकर सीमेंट संबंधित काम करने वाले मजदूरों और आम लोगों के सामने रोजी रोटी के संकट के साथ साथ और कई समस्याएं भी पैदा हो गई है, जिसे लेकर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि ट्रकों की हड़ताल से सीमेंट का रेट प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर परिवहन मंत्री के स्तर पर चर्चा जारी है और आने वाले समय में जल्द ही इसका निदान भी हो जाएगा। अब ये ट्रक ओनर्स के स्ट्राइक से सीमेंट का रेट प्रभावित हो रहा है, माननीय परिवहन मंत्री जी के स्तर पे इसमें चर्चाएं जारी हैं। हम आने वाले समय में जल्दी इसका निदान हो जाएगा, समाधान निकलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सीमेंट उद्योगों और ट्रांसपोर्टरों की इस हड़ताल के बाद मार्केट में शॉर्टेज होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं, जिसका भरपूर फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। वे बिचौलिए जिनके पास बड़ी मात्रा में सीमेंट का स्टॉक मौजूद है, उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं और अपने मन मुताबिक दामों पर बेच रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। द न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, रायपुर।